आप तो बच्चे हैं और हमारे भी पैदाइश से पहले ही ये मुल्क बना। चंद दिन पहले ही हमारे जनरल गुलाम अहमद साहब और ब्रिगेडियर असलम नई साहब बैठे हुए थे, तो ये तकसीम के वक्त की कहानी सुना रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं नहीं सुन सका, मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। ऐसी इन्होंने कहानियां सुनाई। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके बुनियाद में गारा और सीमेंट नहीं है, बल्कि 6 लाख इंसानों की हड्डियां हैं जिस पर इस मुल्क को बनाया गया। हम तो लोकल लोग हैं, महाजर नहीं है, लिहाजा हमने वो कुर्बानी न देखी न चखी। मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, वो महाजर थे जालंधर के। वो कभी कभी हमारे डेरे में आया करते थे, बात करते थे। तो एक दिन मैं भी बैठा था और वो ये बात कर रहे थे कि जालंधर से मेरा, जब हम निकले हैं पार्टीशन पर, तो मेरा सारा खानदान कट गया, अकेली जान लेकर निकला, और थोड़ी छोटी सी उम्र, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो दिन में मैं छुपता था कमाद के खेत में, अगस्त में कमाद अच्छा खासा बड़ा हो जाता, और रात को फिर मैं सफर करता था, और मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, मेरी क्या मंजिल है। मुझे सिर्फ एक फिक्र था कि मैं सिखों की तलवार से बच जाऊं। लिहाजा चलते 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 दरियाए सतलुज पे पहुंच गया। दरियाए सतलुज उस वक्त में जीता जागता दरिया था, अब तो वो सो गया बेचारा कब का। हम तो उसकी रेत ही देख पाए, उसकी तुगयानियां तो कभी देखी कोई ना। ये बहुत बड़ा दरिया था। तो कहने लगे मैं सतलुज पर पहुंचा तो आगे पानी की मौत थी, पीछे तलवार की मौत थी। तो मैंने कहा सिखों के हाथों मरने से बेहतर है मैं पानी की नजर हो जाऊं, तैरना आता नहीं था। कहने लगे एक लकड़ी उठाई, एक लकड़ी मिल गई, लकड़ी उठाई और पानी में डाली। मैं कहा अल्लाह जिंदगी है तो पार लगा दे। इधर पाकिस्तान शुरू हो रहा था। तो कहने लगे जब मैं थोड़ा सा अंदर गया तो मैं क्या देखता हूं, सारा दरिया लाशों से भरा हुआ बह रहा था। लाश के साथ लाश ऐसी मिली हुई थी, मासूम बच्चे, हसीन नौजवान, खूबसूरत बेटियां, बूढ़ी माएं, बूढ़े बाप, ऐसे जा रहे थे। अगरचे वो मंजिल को पहुंच चुके थे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दी, लेकिन हमारी नजर में वो ऐसी मंजिल के राही थे जिसका आगे पता ही कोई नहीं है। सतलुज की लहरें उनका कफन बन रही थी और सतलुज की तह उनकी कब्र बन रही थी। यही कुछ रावी में हो रहा था, यही कुछ चनाब में हो रहा था। ये तीन दरिया हिंदुस्तान से आते थे, इन तीनों में ये बह रही थी। अपनी तारीख पढ़ते रहना चाहिए, उससे पता चलता है हमारी इब्तिदा क्या है और हमने जाना कहां है। बदकिस्मती ऐसी हुई मेरे अजीजों के इस मुल्क को ना इतनी अल्लाह ने दौलत से नवाजा है कि आप और हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। मैं मक्का में था, मुझे एक जियोलॉजिस्ट मिला, वो कहने लगा मैं अपने इल्म की बुनियाद पर कहता हूं कि पाकिस्तान जैसी जमीन पूरी दुनिया में किसी के पास कोई, इसको सिर्फ एक कैंसर लगा, वो बददियानती का, खयानत का, चोर बाजारी का इसको कैंसर लगा। अगर ये इस मुल्क में ना होता तो ये दुनिया में जन्नत का टुकड़ा होता। और इस मुल्क को मेरे अजीजों जो लूटा है ना, वो अनपढ़ों ने नहीं लूटा, जमींदारों ने, ताजरों ने नहीं लूटा, बड़े हाई क्लास पढ़े लिखे लोगों ने इसको लूटा है। क्योंकि वो उन्होंने डिग्रियां तो हासिल की पर इंसानियत ना सीख पाए। तो इतनी बड़ी कुर्बानियां हुई और हम तो मेरे अजीजों कांटे ही चुनने वाले रह गए। बाहर देखी नहीं इस मुल्क ने, चंद मुखलिस लोग ना होते तो अब तक ये मुल्क बिक चुका होता या हिंदुस्तान के कब्जे में जा चुका होता। कहीं कहीं चिराग अब भी जल रहे हैं जिनकी वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी है, और ये काफिला धीमे धीमे धीरे धीरे वो रवा दवा है। अगर वो भी ना होते तो इस मुल्क को तबाह होने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी बददियानत टोले ने, और हाय हाय जमीर फरोश टोले ने। और बदकिस्मती ये है कि वो सारा इन स्कूलों कॉलेजों से निकला हुआ है, वो देहातों से नहीं है।